दोस्तों, पैक्ड फूड तो हम सभी खाते हैं, चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे, कोई और नमकीन का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और कहीं कहीं नॉनवेज भी हमें देखने को मिलता है, जो कि कैन का होता डब्बा उसमें देखने को हमें मिलता है। इंडिया में ये तो काफ़ी कम है, उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन जो बाहर की कंट्री है, जो गल्फ कंट्री है या फिर आप यूरोप वगैरह ये सब देशों कह सकते हो, अमेरिका बोल सकते हो, इन सब देशों में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पे आपको मीट, फिश, ये सभी चीज़ें पैक फूड के अंदर मिल जाती हैं, जो कि आप किसी भी बड़े सुपर मार्केट से परचेस करके ला सकते हो और अपने लिए खाना बना सकते हो। तो ऐसे में सवाल ये आता है, जो पैक्ड फूड होता है वो जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर नॉर्मल हम ऐसे ही किसी चीज़ को रख देंगे, किसी फूड को, वो कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन पैक्ड फूड के साथ ऐसा नहीं होता। और जब हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, तो उसमें बहुत सारी मात्रा में हवा भरी होती है, तो वो क्यों होता है? इन सब के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जितने सारे फूड होते हैं वो हमारे वातावरण में जितने सारे गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें गैसें हैं, उन सबसे वो रिएक्शन करता है। नमी भी होती है, उनसे भी रिएक्शन करता है, इसीलिए ये जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन जो पैक्ड फूड होता है उसमें क्या किया जाता है, एक गैस भरा जाता है, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन। और ये गैस उस फूड में 99% होता है, और बाकी के 1% में ऑक्सीजन और भी गैसें होती हैं, साथ ही साथ उसमें मॉइस्चर भी होता है, ताकि जो फूड है, खासकर नॉनवेज, ये सब चीज़ें, तो वो लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। तो इस वजह से जो हमारा फूड है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बाकी सब गैसों के मुकाबले में हमारे फूड के साथ काफ़ी कम रिएक्ट करता है, जिससे कि हमारा फूड लंबे समय तक फ्रेश रहता है। लेकिन उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, इसमें लिखा होता है कि आपको इस फूड को या फिर इस चिप्स को, पैकेट को, आपको 6 महीने में आपको मतलब यूज़ कर लेना है, तब जाके आपको अच्छे क्वालिटी में मिलेगा। उसके बाद जो है कि धीरे धीरे रिएक्शन करता ही है और वो ख़राब हो जाता है, उतना मज़ेदार नहीं होता, उतना फ्रेश नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। तो जब भी आप कोई चिप्स का पैकेट खरीदें, उसमें आपको हवा दिखे, तो एक्चुअली में उसमें 99% नाइट्रोजन होता है, और बाकी के होते हैं अदर गैसेस, जिसकी वजह से हमारा जो खाने पीने का सामान है वो रहता है हमेशा फ्रेश। क्योंकि देखिए, जो भी फूड मैन्युफैक्चर कंपनी होती है काफ़ी दूर से फूड को मैन्युफैक्चर करती है, फिर उसके बाद बहुत सारे बीच में प्रोसेस आते हैं, उनको हमारे तक पहुंचाने के लिए डीलर से है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, फिर रिटेल के पास, फिर वहाँ से हमें सेल्स होगा, तब हम खरीदेंगे, इन समय में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा जो फूड है वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहे। तो जितने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इन चीज़ों को तो करती है, लेकिन अब बात करते हैं जो हमारे लोकल शॉप में मिलता है, जैसे कि चाचा की कचौड़ी, सोनू का समोसा, एग्जांपल की बता रहा हूँ, तो क्या उन सब में भी ये सब चीज़ें होती हैं? तो बहुत तेरे चांसेस होने का, क्योंकि लोकल में जो फूड होता है वो उसी सिटी में ही, आप जिसमें रहते हैं वहीं से मैन्युफैक्चर होता है, तो काफ़ी जल्दी पहुँच जाता है, काफ़ी जल्दी वो कंज्यूम हो जाता है, तो उन सब में तो शायद नहीं होता होगा। लेकिन इन सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन चीज़ों का यूज़ करती हैं, ताकि हमें एक फ्रेश एक्सपीरियंस मिले, हमें अच्छा खाने को मिले। तो मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भरे रहते हैं चिप्स के पैकेट में ढेर सारी हवा, और क्यों लंबे समय तक भी जो पैक्ड फूड होता है वो ख़राब नहीं होता। तो इन सब के पीछे का राज यही है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास को वीडियो देखना, वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।